My name is अक्षता भाटिया और आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि असल में पढ़ाई करे तो करे कैसे, टॉपर वाली पढ़ाई करे कैसे ताकि हमारे नंबर भी टॉपर जैसे आ। तो क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि जब आप पढ़ रहे होते हैं तो अचानक से जब आप एक डेढ़ घंटा पढ़ लेते हैं फिर अचानक से आपका एकदम मोटिवेशन जीरो हो जाता है, आप कहते हैं कि आज के लिए पढ़ा बहुत हो गया, मेरे को और नहीं पढ़ने का मन, और उस टाइम आपके दिमाग में ये बात आती है कि यार पता नहीं टॉपर लोग इतने घंटे कैसे पढ़ते हैं, पता नहीं क्या खाते हैं क्या पीते हैं जो इतने ज़्यादा अच्छे नंबर ले आते हैं, हमें भी बता दो यार, हम भी ले आएंगे नंबर अकेले अकेले। तो इसीलिए ये वीडियो आपके लिए एकदम एप्ट है। तो हाय एंड वेलकम टू एकेरू, माय नेम इज़ अक्षता भाटिया और आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि असल में पढ़ाई करे तो करे कैसे, टॉपर वाली पढ़ाई करे कैसे ताकि हमारे नंबर भी टॉपर जैसे आ सके। कोई तो बता दो कितनी बार आपने YouTube पे सर्च किया होगा आपके कुछ 5 ways, 10 ways, 10 short tricks ये सब कुछ ताकि आप जो है एकदम अपनी जो तैयारी है ना उसको एकदम टॉप नॉच पे ले जाए और एकदम अच्छे नंबर लाए। देखिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अच्छे नंबर लाने के लिए ठीक है और सही से पढ़ाई करने के लिए कोई रीज़न नहीं चाहिए होता कि भाई मेरे को इसीलिए करना है कि उसीलिए करना है, जिसको करना है ना उसको करना है। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि हाँ ये उससे आप इस चीज़ से जो है बहुत अच्छे से पढ़ लोगे या उस चीज़ से आपको ये मिल जाए तो आप बहुत अच्छे से पढ़ लोगे तो आप गलत सोच रहे हैं। ठीक है आप उसे एक दिन करेंगे, दो दिन करेंगे, तीन दिन करेंगे, चार दिन करेंगे और फिर बस खत्म, फिर से वही बात हो जाएगी, फिर से मोटिवेशन जीरो हो जाएगा, फिर आप बोलेंगे कि भाई मुझे कोई और शॉर्ट ट्रिक चाहिए जिससे आप बड़ी आसानी से और एकदम जल्द से ना आप एकदम सक्सेस पा लें। ठीक है आप एकदम टॉपर बन जाएं। देखिए ऐसा नहीं होता। मैं आपको बताती हूँ कि एक टॉपर की मेंटालिटी कैसे होती है ताकि वो जो है इस चीज़ को मतलब ऐसे पढ़ता है जैसे वो खुद के लिए एहसान करके नहीं पढ़ रहा है, वो अपने लिए पढ़ रहा है, अपने पर्टिकुलर चीज़ के लिए पढ़ रहा है। तो अगर आपका रीज़न बहुत बड़ा है ना और अगर आपने जो है अपने दिल से कहा है कि हाँ मुझे अच्छे से पढ़ना है और मुझे जो है इतने नंबर लाने हैं और अगर वो रीज़न मिल गया ना आपको तो उसके लिए जो मर्ज़ी करना पड़े, उसके लिए आपको 4-5 घंटा 7 घंटा पढ़ना पड़े या 2 दिन खाना ना खाना पड़े आप तो भी करें। लेकिन अगर तब तक आपके पास वो रीज़न नहीं है ना, अगर उसके पास कुछ भी नहीं है तो आपको जितनी ट्रिक्स दे दूँ, अगर मैं आपको टॉपर के साथ रूम में क्वारंटीन भी कर दूँ ना तब भी आप नंबर नहीं ला पाएंगे। तो इसीलिए आप ये ढूंढने के बजाय कि पढ़ाई कैसे करें आप ये ढूंढिए कि आप पढ़ाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो कैसे को ना जरा क्यों मैं बताऊं कि भाई अगर आपको मोटिवेशन नहीं आ रहा है ना तो क्यों नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, तो अगर आप वो ढूंढ लेंगे ना तो आप पढ़ाई कैसे करें ना आपको। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई मेरे को ये मिल जाए वो मिल जाए तब पढ़ाई करूँगा या मेरे को कोई आके बता दे तभी करूँगा तो आप गलत सोच रहे हैं। आपको जितना भी बता दें आप नहीं कर पाओगे। आज जो है मैं इस वीडियो में आपको बता देती हूँ पहले से ही कि भाई टॉपर की मेंटालिटी और आपकी मेंटालिटी में बहुत फ़र्क आ जाता है, इस वजह से जो है आप चीज़ों को परसीव नहीं कर सकते। टॉपर का गोल होता है कि वो टॉप करे, टॉपर का गोल होता है कि भाई वो उतने नंबर पर पहुँचे, उसके लिए जो करना पड़े वो करेगा, पर क्या आप अच्छे नंबर लाने के लिए क्या टॉप करने के लिए आप अपने फ़ोन को साइड कर सकते हैं, क्या आप अच्छे नंबर लाने के लिए अपने दोस्तों को हटा सकते हैं पढ़ाई के टाइम के टाइम, और क्या आप जो है उनके बर्थडेज वगैरह पे जाने के लिए और ऊपर से उनके साथ घूमने के लिए उन सारे टाइम को कटेल कर सकते हैं ताकि आप किताबों को टाइम दे पाए। अगर इसका आंसर हाँ है ना तो फिर आप मेरे को बताइएगा कि आप क्यों नहीं पढ़ पा रहे, पर अगर इसमें से एक भी क्वेश्चन का आंसर ना है आपके दिल को अच्छे से पता है तो प्लीज़ आप मत एक्सपेक्ट कीजिए कि आपके भी नंबर टॉपर जितने ही आएंगे, आप गलत सोचते हैं। अगर आप अपनी तरफ से सिर्फ 10-20% देते हैं तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके 90% आएंगे या आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके इतने अच्छे नंबर आएंगे। भाई फेयर डील होनी चाहिए है ना, फ्री का माल उतना भी अच्छा नहीं होता है ना और सस्ता माल भी उतना अच्छा नहीं होता, क्वालिटी के पैसे होते हैं कि नहीं, तो अच्छे नंबरों की क्या कोई कीमत नहीं होती। आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि भाई आप जो है बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे और आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि भाई आपके जो है ये ट्रिक अपना लेंगे वो ट्रिक अपना लेंगे तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। आपके पास प्लीज़ आप कर लीजिए इस बात को कि आप उस चीज़ को एक दिन फॉलो कर सकते हैं, दो दिन फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हर रोज़ फॉलो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास वो रीज़न नहीं है उस पीक तक पहुँचने के लिए। अगर आपके पास रीज़न है
कि मेरे को उधर पहुंचना है, इतने नंबरों पे पहुंचना है, तो आपको कोई चीज नहीं रोकेगी, आपको ये ट्रिप्स और ट्रिक्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मैंने ट्रिप्स बोल दिया सॉरी, टिप्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि अगर आप उनमें से हैं जो शॉर्टकट्स पे बिलीव करते हैं, आप जो है प्लीज गलत जगह पे जा रहे हैं, आप जो है उसकी जड़ पकड़िए, आप ये देखिए कि आपके साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। जब आप उसको आंसर कर लेंगे ना, मैं आपको बता रही हूँ, आपको अपनी हर लाइफ का आंसर मिल जाएगा। अक्सर हम वो चीज़ें देखते हैं जो उनको सामने से दिख रही होती है। तो टेम्पररली ना आप प्लीज़ किसी के पीछे मत भागिए, टेम्पररली आप छोटे छोटे मतलब दोस्तों के साथ इधर जाना उधर जाना प्लीज़ मत कीजिए। आइए अपने लाइफ में अपने गोल पे जो है आप डेडिकेटेड हो जाइए, फोकस करिए और देखिए आपको आपका गोल जरूर मिलेगा। हाँ, मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि अगर मैं जो हूँ किसी पर्टिकुलर इंसान को अगर वो चीज़ नहीं पसंद है, उसको मैं फोर्स करती रहूँ, उसको मैं बोलूँ कि तुम ये टिप्स करो ये करो, तब जाके तुम्हारे ये चीज़ हो जाएगी, वो फिर भी नहीं कर पाए क्योंकि उसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है। तो अगर वो चीज़ तुम्हारे लिए फिर भी इम्पोर्टेंट है, या तो अपना इंटरेस्ट डेवलप करो, और अगर वो नहीं है तो अपना इंटरेस्ट ढूंढो, क्योंकि ज़बरदस्ती कोई आप जो नहीं अपने दिमाग को नहीं बिठा सकते। अगर बिठा सकते तो अभी तक बिठा चुके होते, पर नहीं बिठा पाए ना। तो इसीलिए प्लीज़ आप जड़ को ढूंढिए, आपको हर चीज़ मिल जाएगी। तो इसीलिए आप, मैं आपको वापस बोलती हूँ कि अगर आप जो है पर्टिकुलरली उस मोटिवेशन से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो ये देखने के बजाय कि भाई कितना पढ़ना है कैसे पढ़ना है, उससे पहले ये देखिए कि क्यों पढ़ना है। अपने माँ बाप के लिए पढ़ना है, अपने लिए पढ़ना है। अगर ये सब चीज़ें आपने देख ली तो मैं आपको अश्योर करती हूँ कि आपको कोई चीज़ रोक नहीं पाएगी अपनी तैयारी पूरी करने के लिए, और ना आपको कोई ऐसी चीज़ रोक पाएगी ताकि आपको ना आपके दोस्त बुलाएंगे ना तब आपको जाने का मन नहीं करेगा। आप उनको बोलेंगे मेरे को पढ़ना है, मैं अभी नहीं आ सकता। जब कोई फ़ोन पे मैसेज करेगा ना तो उसी टाइम रिप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि फ़ोन को साइलेंट पे रख के साइड में रख देंगे कि भाई बाद में देखूंगा, अभी पढ़ रहा। तो जब आप जिस दिन ऐसा करने लग गए ना, आपको ट्रिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो आपको बताने के लिए कि अगर अभी तक आप नहीं जागे तो प्लीज़ जाग जाइए और रियल सोल्यूशन ढूंढिए। प्लीज़ इधर उधर मत भागिए, सुपरफिशियल बातों पर मत जाइए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और तब तक के लिए प्लीज डू द हार्ड वर्क, बिकॉज इट्स द ओनली की टू योर सक्सेस। थैंक यू।